अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियरिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, और जो क्वेश्चन है आपके ये टॉप सिक्स यानी सिक्स क्वेश्चन है आपके इस वीडियो में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको ये क्वेश्चन के आंसर पता होना चाहिए तो जो ये वीडियो है एक सिविल इंजीनियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो काफ़ी बार आपके इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो जो मोस्ट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के उन क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में रखा है। तो इसमें सिक्स क्वेश्चन आपके वीडियो में मैंने रखे हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हु इज डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या है आपकी? डेवलपमेंट लेंथ इज एन एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ स्टील विच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन स्टील वायर टू अदर। ये क्या है? डेवलपमेंट लेंथ जो होती है आपकी लेंथ ऑफ स्टील की, जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है आपकी स्टील में, जो एक्स्ट्रा लेंथ आपकी होती है जो आपके लोड को ट्रांसफर करती है दूसरे स्टील वायर पे, उसे कहते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ। जैसे आपकी कोई स्टील रॉड पड़ी हुई है, अभी यहां पर खत्म होगी तो हमको यहां से दूसरी स्टील रॉड डालनी है, तो हम यहां से डालेंगे इतना अंदर से, इसकी भी एक हमारा एरिया होता है। स्टील रॉड जब हम डालते हैं तो 60D होता है, डी उसमें डाया होता है। तो ये जो लेंथ है आपकी यहां से यहां तक की, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, क्योंकि ये तो यहाँ पे समाप्त होगी, हमारी एंड होगी। इसका लोड अब ये नीचे पड़ती है इसके हमारे, इसके लोड जो है इस पर ट्रांसफर होगा, इतनी एरिया की जो लेंथ आएगी उसे डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे, और ये आगे बढ़ जाएगी, फिर यहाँ पे कहीं एंड होगा, फिर बढ़ जाएगी, और अगर हमारी बिल्डिंग हैप्पी एंड है तो यहीं ये समाप्त हो जाएगी, एंड हो जाएगा इसका, और अगर नहीं है तो इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे। इस तरह हमारी जो एक स्टील के ऊपर दूसरी स्टील आती है जितनी हमारी ये लेंथ होती है इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन इज रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट एंड वाटर का जो रिएक्शन होता है वही आपकी हाइड्रेशन होती है। सीमेंट एंड वाटर जब हम मिलाते हैं, सीमेंट को और पानी को जब हम मिलाते हैं उनमें क्रिया होती है जिसे हिंदी में कहते हैं जलयोजन और इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रेशन, उसी को कहते हैं सीमेंट एंड वाटर के रिएक्शन को कहते हैं हम हाइड्रेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज M20 ग्रेड कंक्रीट। M20 ग्रेड की जो कंक्रीट है वो क्या है? इट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 20 इयर्स डेज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, व्हाट हियर एम स्टैंड फॉर मिक्स एंड 20 नंबर इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सो इट मीन दिस M20 इज स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये क्या कह रहा है? आपकी जो कंक्रीट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न सामर्थ्य 20 एज डेज के बाद में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो सामर्थ्य आती है आपकी 20 डेज के बाद में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपकी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आती है वो आपकी M20 कंक्रीट की आती है, 20 पे 20 नंबर आती है। इसमें एम जो है आपका, एम स्टैंड फॉर क्या? मिक्स क्या? मिक्स आपका टू टाइप का होता है, डिजाइन एंड नॉमिनल, टू टाइप का आपका मिक्स होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो डिजाइन होता है एंड एक नॉमिनल, टू मिक्स होते हैं आपके। एंड टू नंबर इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 20 नंबर जो है आपका इसमें वो क्या शो करता है? आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। सो इट मीन दिस M20 इज द स्ट्रेंथ
20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये क्या कह रहा है, एम 20 की जो कंक्रीट होती है, एम आपका उसमें शो करता है, एम आपका इसमें स्ट्रेंथ 4 है मिक्स कर रहा है, 20 नंबर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिक्स कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपकी एम 20 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 28 डेज बाद आपकी एम 20 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट यूज इन अ कंक्रीट मिक्स। अगर हम अपना वेट ऑफ सीमेंट और वेट ऑफ वाटर को यूज करते हैं कंक्रीट मिक्स में, इसका जो रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट का जो रेशियो होता है जब हम कंक्रीट मिक्स में यूज करते हैं तो उसी को कहते हैं हम वाटर सीमेंट रेशियो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट्स वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो सॉइल की क्या होती है, वेयरिंग कैपेसिटी। वेयरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सपोर्ट द लोड्स अप्लाइड टू ग्राउंड। बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है आपकी वो सॉइल की सपोर्ट करती है लोड को अप्लाइड ग्राउंड पे, कि वो कितना हमारा लोड ग्राउंड, जैसे हमारा कोई लोड है वो कितना सह सकता है, वो हमारी बेयरिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर, व्हाट इज द टाइम एंड डेज फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क का जो टाइम होता है रिमूव करने का, कि हम इस फॉर्मवर्क को अपना हटा दें, इसको हिंदी में कहते हैं फर्माबंदी। फॉर्मवर्क यानी फर्माबंदी को हम कितने समय में हटाना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है फॉर्मवर्क का, ये एक सिविल इंजीनियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में काफी बार पूछा गया है। तो देखते हैं कि किस मेटेरियल से बना हुआ हमारा कौन सा पदार्थ कितने दिन में हमारा हटाना चाहिए। तो पहला हमारा कॉलम एंड वॉल वर्टिकल फॉर्म वर्क शुड बी रिमूव 16 to 24 आवर्स। ये क्या कह रहा, कॉलम और वॉल वर्टिकल जो फॉर्म वर्क हमारा लगा होता है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए 16 to 24 आवर्स के बाद, हमको उसको रिमूव करना चाहिए, उससे पहले हमें रिमूव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा बीम फॉर्मवर्क शुड बी रिमूव इफ द स्पैन इज 4.5 मीटर, सो रिमूव आफ्टर 7 डेज। अगर आपका बीम में फॉर्मवर्क लगा हुआ है और उसका जो स्पैन की लेंथ है वो आपकी 4.5 मीटर है तो आपको रिमूव करना चाहिए 7 डेज के बाद। नेक्स्ट है स्टेयर केस फॉर्मवर्क शुड बी रिमूव्ड आफ्टर 5 डेज। आपके स्टेयर केस में फॉर्मवर्क लगी हुई है तो आप इसको रिमूव कब करोगे, 5 डेज के बाद में आप इसको रिमूव करोगे, उससे पहले रिमूव करोगे तो आपके लिए खतरा है। इफ द बीम स्पैन इज ओवर 9 मीटर सो रिमूव द फॉर्मवर्क आफ्टर 20 डेज। अगर आपका बीम है और उसका जो स्पैन है वो आपका कितना है 9 मीटर का, ओवर है 9 मीटर से भी, सो रिमूव कब करोगे उसे आप फॉर्मवर्क को अपनी को 28 डेज के बाद में आप उससे रिमूव करोगे। जो वी नंबर हमारा था इसमें था बीम को हम फॉर्मर को रिमूव कर रहे थे, कब कर रहे थे, जब हमारा स्पेन था 4.5 मीटर तो रिमूव कर रहे थे हम 7 डेज के बाद में। अगर हमारे स्पेन होता है 9 मीटर का तो रिमूव करते हैं हम 28 डेज के बाद में। तो फ्रेंड्स ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन थे जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, 6 क्वेश्चन थे, टॉप 6 क्वेश्चन लाए थे हम इसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।